रोबर्ट बढ़ाते हुए पांचवें नंबर को मिली है गेंद, चकमा देने की भरपूर प्रयास, समानांतर पास खेला दाएं छोर के खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया उन्होंने, तालमेल बढ़ाते हुए छोटे पास को इस्तेमाल और जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन रोकने का प्रयास, कॉर्नर को रोकने का प्रयास किया था गोलकीपर ने, लेकिन रोक नहीं पाए और चली गई गेंद गोल लाइन से बाहर, एक कॉर्नर का अवसर बनता हुआ। डुमुसाई एफसी को सूरज एंड अश्मित और डीएल टाइगर, अगला मैच के लिए आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे, सूरज एंड अश्मित और डीएल टाइगर, आप दोनों टीमों से कहना है कि आप दोनों हमारे फोर्थ ऑफिस में उपस्थित रहेंगे, खेल समाप्ति के पश्चात मैदान में प्रवेश करेंगे। समय गेंद मिलता हुआ नंबर 9 काफी सुंदर तालमेल के साथ खेलते हुए डुमुसाई एफसी की टीम, स्ट्राइकर के लिए बैक पास मिडफील्डर, 9 नंबर के लिए मंगल, छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए राइट मिडफील्डर इस समय अपने नियंत्रण में रखी गेंद को तालमेल बनाते के साथ खेलते हुए सेंटर लाइन के पास बैक पास करी मैन डिफेंडर को, मैन डिफेंडर ने नियंत्रण किया गेंद को, कालिया जो कि खेल रहे हैं मैन डिफेंडर के रूप में, 5 नंबर सुंदर तरीके से गेंद को पास किया है, दांत छोर से कदम बनाने का प्रयास करते हुए छोटे तालमेल बनाने की कोशिश करी थी लेकिन रुकावट जरूर आई, दोबारा मौका बनाने की कोशिश लेकिन क्लियर करने में सफल हुए और अपने नियंत्रण में रखकर आगे हेलो विशेष सूचना है समाज सेवा समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप लोग मुख्य मंच के समक्ष आने की कृपा करेंगे, समाज सेवा समिति के मुख्य सोमा आप अपने सभी सदस्यों के साथ हमारे मुख्य मंच में संपर्क करेंगे, समाज सेवा समिति के मुख्य सोमा जी आपसे निवेदन है कि 2-3 अपने सदस्यों को साथ में लेकर हमारे मुख्य मंच के समक्ष आने की कृपा करेंगे। हेलो अक्रमण का मोमेंट बनाने की कोशिश काफी तेतरारी खेल खेलते हुए, एक्चुअली वनडे फुटबॉल तेतरारी का ही खेल होता है, मंगल को मिलता होगा गेंद, मंगल ने अपने नियंत्रण में रखी है गेंद को ड्रिबल करते हुए चकमा देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, बैक पास करे उन्होंने राइट मिडफील्डर को दी, राइट मिडफील्डर ने लंबे उछाल के साथ हवा में उछाला गेंद को लेकिन उनका कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, टप्पा खाने के बाद सीधे गोलकीपर के पैरों तले गेंद, नियंत्रण करने के बाद सरस्वती एंड सरस्वती रुगुट साई टीम ने पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की और उस टीम से छुट्टी दी गेंद लेकिन फिर से अविनाश को मिलता हुआ बाएं छोर के खिलाड़ी को दिया उन्होंने अपने नियंत्रण में रखकर लंबी उछाल के साथ यहां पर क्रॉस टाली है जरूर टप्पा खाने से पहले गेंद को पास किया मौका बनी है यहां पर अकरम का मोमेंट आता हुआ लेकिन मौके पर मौजूद डिफेंडर ने क्लियर की और सीधे 5 नंबर के लिए
गेंद को पास किया, बातें बटे बढ़ाई थी जरूर, लेकिन यहाँ पर फिर से अकर्णन का मोमेंट बनाने की कोशिश में चार बटे बैक पास किया, 10 की लोटो ने कट किया गेंद को, चप्पा देने की कोशिश, लेकिन चीनी के गेंद यहाँ पास खेलते हुए सीधे अग्रिम पत्ती के 6 नंबर को मोहम्मद साहिद खेल रहे हैं 6 नंबर की जर्सी पर, लेकिन उससे भी छीने के बाद हेलो मैन ऑफ द मैच सरस्वती एंड सरस्वती रुकुशे जगदीश श्री सन जगदीश लागुरे जी के हाथ हो या मैन ऑफ द मैच पुरस्कार पुरस्कृत किया जा रहा है, जो कि छोटेलाल महतो छोटेलाल हासदा सरस्वती एंड सरस्वती रुगुशाई टीम से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार के हकदार बने थे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सबों को लिए चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर 0-0 के मुकाबले पर खेल चलता हुआ टारगेट एफसी और डुमुसाई एफसी के बीच, जो कि रंग बिरंग कलर की जर्सी पर इस समय खेल रही है, वह टीम टारगेट एफसी और नीली कलर की जर्सी पर खेलते हुए डुमुसाई एफसी की टीम। डुमुसाई एफसी टीम के पास गेंद और पास करी है जरूर, लेकिन उससे पहले 5 नंबर अपने नियंत्रण में रखी, यहां पर सुनील को मिली है गेंद, चीन के यहां पर मौका बनी है लेकिन रोकने में कामयाब हुए और गोलकीपर ने गेंद को लपक ली, कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अभी भी 0-0 पर खेल चलता हुआ। काफी सुंदर यहां पर लेने की कोशिश डिफेंस लाइन के खिलाड़ी, सजी हुई फुटबॉल खेलते हुए समानांतर पास राइट मिडफील्डर के लिए, चकमा देने की कोशिश, छीनने का प्रयास, सुनील तेजी के साथ जाना चाहते थे लेकिन रोकने में कामयाब, गलत पास हुई, फिर से टारगेट एफसी के नियंत्रण में गेंद, बाएं छोर से गोल पोस्ट की तरफ ले जाने का प्रयास करते हुए बैक पास यहां पर आई है अविनाश के लिए, अविनाश ने नियंत्रण किया और अपने ही नियंत्रण में रखकर पास खेलते हुए यहां पर आक्रमण का मोमेंट बनाने की कोशिश करते हुए छोटे कद पतले खेलते हुए वन टच पास खेले जरूर और यहां आपस में बढ़िया सजी हुई फुटबॉल, बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ जगह की तलाश में बारंबार आक्रमण की मोमेंट बनाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन 10 नंबर इस समय मौजूद, मौके पे अपने नियंत्रण में रखी। यहां पर हम देख रहे हैं डुमुशाई एफसी की खेल शैली काफी तेज तरारी के साथ, हेलो विशेष ध्यान देंगे हमारे मुख्य मंच के बाईं तरफ महिलाओं के लिए जगह आरक्षित है, आप लोग अगर देवराज की सीटी के साथ ही सुनील ने किकऑफ किया और मिडफील्डर अभिषंदर साइड मिडफील्डर के साथ तालमेल बनाते हुए फिर से सुनील को मिली है गेंद, डिफेंस लाइन पर खेलना चाहा सुनील ने और दाएं छोर के मिडफील्डर को देते हुए काफी अच्छी सजी हुई तालमेल फुटबॉल खेलते हुए छोटे पास और जमीनी पास का मैक्सिमम यूज करता हुआ इस समय और इस समय तेजी दिखाते हुए मोमेंट आक्रमण का पाए पांव से किक आई लेकिन दिशा देने में नाकाम और चली गई गेंद मैदान से बाहर। फिर से कहना चाहेंगे मध्यंतर हो चुका है इसलिए सूरज एंड अस्मित और डीएल टाइगर आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार होकर हमारे फोर्थ ऑफिस में उपस्थित रहेंगे, खेल समाप्ति के पश्चात सीधे मैदान में प्रवेश करेंगे।
लंबे उछाल के साथ रिलीज हुई गेंद, ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी तालमेल के साथ खेलते हुए इस समय सुनील के लिए गेंद को पास किया, सुनील तेज तरह दिखाया जरूर लेकिन उससे आगे निकले डिफेंडर और गेंद को क्लियर करने में सफल हुए, लेकिन एक कॉर्नर का अवसर जरूर बनता हुआ इस समय टारगेट एफसी के लिए। पास के रूप में इस्तेमाल करिए, चकमा देने की कोशिश, छीनने में सफल और नौ नंबर के लिए गेंद पास करी उन्होंने 10 नंबर को देते हुए, काफी अच्छी तालमेल के साथ 6 नंबर को दी है जरूर, यहां पर अपने नियंत्रण में रखी है। निशाहिद बैक पास करी उन्होंने 4 नंबर करण ने समानांतर पास खेलकर लेफ्ट मिडफील्डर छोटे पास का इस्तेमाल करी अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों तक पहुंचाने के लिए 10 नंबर को देते हुए तेजी दिखाते उन्होंने अपने नियंत्रण में रखी है। बैक पास करी उन्होंने 5 नंबर को देते हुए और जोरदार प्रहार के साथ गोल पोस्ट पर डालने की आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन सीटीआई देवराज मुख्य रेफरी का और एक अवसर बनता हुआ फ्री किक का। 12 नंबर गेंद को किक किए, ड्रिबल करते हुए इस समय डुमुसई मंजिल की तरफ ले जाने का प्रयास, लेकिन गलत तरीके से पैरों पे किक कर बैठे, इसलिए फॉल करार देते हुए और इनडायरेक्ट किक का इशारा यहां पर दी है देवराज ने और पास करते हुए नंबर 13 को दी उन्होंने। अभी तक ये तीसरा मैच चलता हुआ आज का और जो पहले हम दो मैच देखे हैं उस मैच में भी गोल नहीं हुआ था और पेनल्टी के द्वारा ही उनका निर्णय लिया गया था। देखना पड़ेगा इस मैच में क्या कुछ करते हैं डुमुशाई और टारगेट एफसी, गोल दागने में कामयाब होते हैं या ये भी जाएंगे टाई को ब्रेक करने के लिए पेनल्टी शूट आउट की तरफ। ये खेल समाप्ति की सीटी आएगी तब ही हमको पता चलेगा, क्योंकि अंतिम समय तक जूझते हैं खिलाड़ी और गोल दागने की भरपूर प्रयास करते हैं, तो कौन से टीम के खिलाड़ी सफलता प्राप्त करेंगे ये देखने की बात है। सुंदर थ्रोइन के साथ फिर से टारगेट एफसी तालमेल बनाते हुए रोकने में कामयाब हुए। और यहां अविनाश के लिए गेंद को पास किया, अविनाश ने अपने नियंत्रण में रखी 9 नंबर के लिए सुनील, अविनाश के साथ तालमेल बनाते हुए अपने ही पैरों पर रखकर लंबी उछाल के साथ राइट विंगर को ढूंढने का प्रयास किया है, तेजी के साथ राइट विंगर पहुंचने की कोशिश करी, जिनके डिफेंडर ने यहां पर गेंद को क्लियर करने में सफल हुए, अपने साथी को मिलता हुआ सहायक खिलाड़ी को मिली और यहां वापस मांगने के बाद जमीनी पास 9 नंबर के लिए डाली है गेंद को। 9 नंबर ने यहां पर बाएं छोर के खिलाड़ी को देते हुए, बाएं छोर के खिलाड़ी ने खिलाड़ी को चकमा दिया, बैक पास करने में मजबूर हुए और यहां जगह की तलाश में छोटे पासों को इस्तेमाल करते हुए और अच्छी तालमेल बनाकर खेलते हुए बेटर कॉम्पिटिशन के साथ खेलते हुए जरूर यहां पर खेल का प्रदर्शन बहुत सुंदर कर रहे हैं, लेकिन गोल दागने में नाकामयाब हुए हैं अभी तक। काफी सुंदर बाएं छोर के खिलाड़ी नियंत्रण करने के बाद तेजी दिखाते हुए करण आगे बढ़ाना चाहते थे,